हेलो लर्नर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। इस सेशन में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पावर वर्ड वन। लेकिन ये पावर वर्ड वन क्या है, इसका अंग्रेजी वाक्यों में उपयोग कैसे किया जाता है, ये सब पढ़ने के पहले शुरुआती कुछ समय हम आपकी वोकैबलरी यानी शब्द संपत्ति बेहतर करने के लिए खर्च करने वाले हैं। तो कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं, वर्ड मीनिंग यानी शब्दों के अर्थ संबंधी, और फिर आज के मेन टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। आपकी शब्द संपत्ति बढ़ाने हेतु आज के सेशन की शुरुआत वोकैबलरी यानी शब्दों के अर्थ की रिवीजन के साथ करेंगे। आपको स्क्रीन पर कुछ इंग्लिश में शब्द दिए जाएंगे और नीचे हिंदी के शब्द रहेंगे। प्रत्येक अंग्रेजी शब्द का अर्थ नीचे दिए हुए शब्दों में छुपा है। आपको हिंदी शब्दों में से अर्थ चुन के उसके अंग्रेजी शब्द के सामने रखना है। स्क्रीन पर आपको घड़ी दिखेगी। घड़ी की सुई चलने तक का समय आपके पास है। जब समय समाप्त होगा तब हम आपको सही जवाब दे देंगे। तो शुरुआत करते हैं। आपका पहला सेट है सही जवाब है वेजिटेबल्स सब्जियां, अनियंस प्याज, एक अनियन अनेक अनियंस, टोमेटो टमाटर, पोटैटो आलू, ब्रिंजॉल बैंगन। सेट नंबर टू, सही जवाब है कैबेज पत्ता गोभी, कैरेट्स गाजर, पम्पकिन कद्दू, लेमन नींबू, गार्लिक लहसुन। सेट नंबर थ्री, सही जवाब है जिंजर अदरक, कॉलीफ्लावर गोभी या फिर फुल गोभी, चिलीज मिर्चिया। एक मिर्ची को चिली कहते हैं, अनेक मिर्चियों को चिलीज। कॉर्न मकई या फिर मक्का, लेडीज फिंगर भिंडी। सेट नंबर फोर, सही जवाब है फ्रेश ताजी, स्टेल बासी। सेट नंबर फाइव, सही जवाब है फार्म खेत, फार्मर किसान, फार्मिंग खेती, सीड्स बीज। सेट नंबर सिक्स, सही जवाब है राइस चावल, व्हीट गेहूं, जैगरी गुड़, फ्लार आटा। डियर लर्नर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक्स आपको फायदेमंद लगे होंगे और आज कुछ आप नया सीख के यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो अगले सेशन तक सभी को गुड बाय, सी यू सून।